नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 दिसंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। एक्सिम बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए निकाली वैकेंसी। इंडियन एक्सिस बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके तहत बैंक ने कुल मिलाकर 60 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों के लिए आवेदन की मांग की है, जिसके तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एक्सिम बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.eximbankindia.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन की शुरुआत 19 दिसंबर से होने वाली है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। आपको यह भी बता दें कि एक्सिम बैंक आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहरसा के उग्रतारा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सहरसा जिले में महिषी में स्थित है उग्रतारा स्थान। यह प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि भगवती सती का बाया नेत्र यहां गिरा था। यह स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। यहीं उद्भट विद्वान मंडन मिश्र का जन्म हुआ था, जिनकी विदुषी पत्नी भारती से जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था। मंदिर का निर्माण सन 1735 में रानी पद्मावती ने कराया था। यहां बिहार के अतिरिक्त नेपाल के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। बंगाल के साधक भी यहां वर्ष भर पहुंचते रहते हैं। बिहार में कोरोना के मिले 600 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 618 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 242,152 पर पहुंच गई है। वहीं टॉप 3 प्रभावित जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 201 मामले सामने आए हैं। वहीं गोपालगंज में 59, गया में 26 मामले सामने आए हैं। बिहार के शिक्षकों के लंबित वेतन पर विभाग की होगी सीधी नजर। शिक्षा विभाग प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन की जानकारी एक क्लिक पर ले सकेगा। इसके लिए उसने एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। सॉफ्टवेयर के जरिए यह शिक्षकों के लंबित वेतन की जानकारी रख सकेंगे। वर्तमान समय में आलम यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी अपने हिसाब से वेतन मद का इस्तेमाल एरिया भुगतान पर खर्च कर देते हैं, जिसके चलते ही शिक्षकों के वेतन में देरी हो जाती है। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सॉफ्टवेयर जरिए पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। इसको जल्द ही प्रभावी भी किया जाएगा। विभागीय समीक्षा में पाया गया है कि कई शिक्षकों के वेतन कई महीने से लंबित पड़े रह जाते हैं। जरीब चेन से नहीं बल्कि ईटीएस मशीन के बटन दबाते ही हो जाएगी जमीन की मापी। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद बेहद अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि ऐसे मामलों के कारण 60% अप्रिय वाक्य होते हैं, जिसके बाद सूबे के लिए यह बड़ी समस्या है और हल करने के लिए भी कदम उठाने की जरूरत है। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जमीन मापी के तरीके को बदलने का फैसला लिया है। इसके तहत अब जरीब चेन की जगह इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन यानी ईटीएस से जमीन मापी की प्रक्रिया की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह के अनुसार राज्य में अमीन अब जरीब के जगह ईटीएस से मापी का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कार्यालय में ईटीएस उपलब्ध कराई जाएंगी। पीपीयू में 32,000 से ज्यादा खाली पड़ी सीटों पर नामांकन करने का मिला 2 दिन का मौका। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में लगभग 1 महीने तक नामांकन की प्रक्रिया करवाई गई थी। हालांकि 1 महीने के जद्दोजहद के बावजूद स्नातक कोर्स में 32,922 सीटें खाली रह गई हैं। इन खाली सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से 2 दिनों का मौका दिया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 68 कॉलेज में यह सीटें खाली हैं। इसमें सबसे अधिक पटना रीजन के कॉलेजों में बीएससी ऑनर्स की कुल 24,977 सीटें हैं, जिसमें 13,677 सीटें खाली हैं। नालंदा रीजन में बीएससी ऑनर्स की 878 सीटें, 4,293 सीटें और बीए ऑनर्स की 1,153 सीटें खाली है। इन सभी खाली सीटों के लिए 11 दिसंबर को पोर्टल खोल दिया गया है और विद्यार्थी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के फर्जी प्रमाण पत्र और शिक्षक बहाली मामले की पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने सूबे के सरकारी स्कूलों में कथित रूप से फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बनने वालों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश जारी किया है। चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दीनू कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कोर्ट को बताया है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाखों में है।
पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है। त्रिस्तरीय चुनाव के लिए हालांकि अभी मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन नहीं किया गया है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि जल्द ही मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन के साथ मतदाता सूची के अपग्रेडेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके साथ ही 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवाओं को मतदाता बनने का मौका मिलेगा। नई मतदाता सूची में करीब 7 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने की संभावना है। नई मतदाता सूची में 85% ग्रामीण मतदाता होंगे। साथ ही वैसे मतदाता भी सूची में नाम शामिल करा सकते हैं जो दूसरे प्रदेशों से घर लौटे हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह की। अभिमन्यु सिंह हिंदी फिल्मों के साथ तेलुगु फिल्मों में भी नजर आते हैं। इनका जन्म पटना बिहार में हुआ है। उन्होंने अपने हिंदी सिनेमा करियर की शुरुआत साल 2001 में अमिताभ बच्चन की फिल्म अक्स से की थी। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल के रंसा सिंह के किरदार से मिली थी। हालांकि फिल्म दर्शकों द्वारा नकार दी गई थी, लेकिन आलोचकों ने फिल्म को बेहद सराहा था। 13 से 16 दिसंबर के बीच बिहार के कई जिलों में हो सकती है बारिश। बिहार वर्तमान समय में पश्चिमी विक्षोभ की चपेट में है, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि 13 से 16 दिसंबर के बीच प्रदेश में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इस दौरान पूरे प्रदेश में भारी कोहरा भी देखने को मिलने वाला है। इसके कारण दिन का तापमान सामान्य से लगातार कम रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञानियों की माने तो कोहरा से रबी फसल के लिए वरदान साबित हो रहा है, मगर कोहरे के कारण ही किसान परेशान भी नजर आ रहे हैं। जानकारों की माने तो कोहरा अगर लंबे समय तक यूं ही देखने को मिला तो यह फसलों पर नकारात्मक असर भी डाल सकता है। आईएमडी पटना की माने तो बीते दिन पूर्वोत्तर बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिली है, वहीं रात के तापमान में भी इजाफा होने के आसार हैं। अप्रिय वाक्यों को रोकने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बनाया बड़ा एक्शन प्लान। बिहार में अब अप्रिय वाक्यों पर नियंत्रण लाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय में पूरा दिन बैठकों का दौर जारी रहा। डीजीपी एसके सिंगल के निर्देशन में सभी जिलों के डीएसपी एसपी एसएसपी से लेकर डीआईजी और आईजी स्तर के अधिकारियों को सीएम के निर्देश से अवगत कराया गया। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार की माने तो मुख्य रूप से पहले रात्रि गश्ती को लेकर सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। रात्रि गश्ती के लिए अब डीआईजी से लेकर आईजी स्तर के अधिकारी सड़कों पर निकलेंगे। बड़े अधिकारियों के अलावा पहले से गश्ती के लिए निकलने वाले छोटे स्तर के पुलिस पदाधिकारी और पुलिस वाहनों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। बिहार में रैयत किसानों की धान अधिप्राप्ति की सीमा 200 से बढ़ाकर 250 क्विंटल करने का जारी हुआ आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शुरू हुई धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बाबत उन्होंने सभी जिलों के डीएम को निर्देश भी दे दिया है, जिसके तहत यह साफ कह दिया गया है कि जिन पैक्स पर अनियमितता के आरोप है उन पर मामला दर्ज करना चाहिए। ऐसे पैक्स की जांच पूरी होनी चाहिए और दोषी को सजा भी मिलनी चाहिए, जिसके बाद सभी डीएम और एसपी को इसकी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन पैक्स ने बकाया राशि का भुगतान कर दिया है उन्हें अधिप्राप्ति की इजाजत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन पैक्स पर अनियमितता के आरोप थे वहां फिर से चुनाव करवाए गए हैं और वे आरोपित पैक्स अध्यक्ष चुनाव नहीं जीते हैं तो वहां निर्वाचित नए पैक्स अध्यक्ष को कार्य करने की इजाजत मिलनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार खेतों तक पहुंचाएगी ट्रीटमेंट प्लांट का वेस्टेज पानी। राज्य के गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत टैब से घरों में शुद्ध जल पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि लोग पानी से होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सके। इसके साथ ही आर्सेनिक फ्लोराइड और आयरन के निष्कासन के लिए भी अलग अलग ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट लगाया गया है। इसमें आम लोगों को शुद्ध पानी और वेस्टेज पानी से खेतों को फायदा हो सके। ट्रीटमेंट यूनिट के बैक वॉशिंग के माध्यम से बेकार पानी के निपटारे के लिए भी मानक तैयार किया गया है, ताकि योजना से शुद्ध एवं स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचे और बेकार पानी खेतों तक पहुंचाया जा सके। बिहार में छात्रों को मनमानी फीस से मिलेगी राहत। अब विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से मोटी फीस के लिए अपनी मर्जी से वोकेशनल कोर्स नहीं तय कर पाएंगे और न ही सीटों का निर्धारण भी खुद से कर पाएंगे। इसके लिए पहले उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रस्ताव भेजना होगा और मान्यता मिलने के बाद ही कोई काम हो सकेगा। अभी तक यूनिवर्सिटी खुद ही अपने निकायों से कोर्स और सीट तय कर लागू करने का काम करती थी और बाद में सरकार को सूचित किया जाता है। वोकेशनल के साथ साथ स्नातक और पीजी में भी बिना सरकार की अनुमति के सीट में वृद्धि नहीं हो सकेगी। पहले इसमें भी यूनिवर्सिटी खुद से तय कर देती थी। विश्वविद्यालयों की ऐसी मनमानी पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है, क्योंकि आयोजित बैठक में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा मनमानी करने की बात सामने आई थी।
केंद्र सरकार ने बिहार का पूरा इथेनॉल खरीदने की कही बात। केंद्र सरकार ने बिहार से गन्ना, मक्का, चावल से भी इथेनॉल उत्पादन की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई का जिक्र करते हुए दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि समूचे देश में चावल का भरपूर स्टॉक है। हम पूरी दुनिया को चावल खिलाने में सक्षम है, इसलिए जरूरत है कि चावल से इथेनॉल का भी उत्पादन करवाया जा सके। नितिन गडकरी की माने तो देश में 2,00,000 करोड़ का व्यवसाय इथेनॉल से हो सकता है। बिहार में 100 नई फैक्ट्रियां लगाने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार अनुदान देगी, साथ ही डीजल पेट्रोल में इथेनॉल की खपत भी होगी, तो हमें बाहर से कम तेल आयात करना होगा। रोजगार के अवसर सृजित होंगे, इसके लिए सरकार देने के लिए भी तैयार है। लालू यादव को लगा बड़ा झटका। लालू यादव की जमानत याचिका पर बीते दिन बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 6 हफ्तों के लिए टाल दी है, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका पर 6 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव की तरफ से सजा की अवधि वाली सर्टिफाइड कॉपी जमा करने के लिए समय की मांग की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने 6 हफ्तों का समय दे दिया है। हालांकि बीते दिन चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत मिलने वाली थी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि शायद यादव को जमानत मिल जाएगी या नहीं। पिछली बार सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई थी, वहीं बीते दिन हुई सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही करवाई गई है। राज्यसभा सदस्य के रूप में आज सुशील मोदी लेंगे शपथ। भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन ही विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका कार्यकाल 2024 तक बचा हुआ था। इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के कारण वो विधान परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। शाम 4 बजे संसद भवन के ग्राउंड फ्लोर स्थित राज्यसभा चैम्बर में वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं। उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू शपथ दिलवाने वाले हैं। शपथ ग्रहण के लिए सुशील मोदी बीते दिन ही राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे जगदानंद सिंह। कृषि कानून को लेकर राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र सरकार और किसानों के संगठन के बीच बातचीत भी चल रही है। दूसरी तरफ बिहार में भी विपक्ष ने किसानों की स्थिति पर सरकार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत राजद नेता जगदानंद सिंह ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि आखिर क्यों बिहार के किसानों की स्थिति दयनीय है, क्यों नहीं सरकार पैक्स के साथ साथ एसएफसी और एफसीआई को धान खरीदने की इजाजत देती है। उन्होंने कहा कि बिहार में जितनी मात्रा में धान की उपज होती है उसको पैक्स के जरिए खरीद पाना कतई संभव नहीं है। पैक्स के जरिए धान खरीद में भी सरकार ने इतना पेच लगा रखा है कि किसान उसमें उलझ कर रह जाते हैं। रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर दर्ज करना हुआ अनिवार्य। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अहम सूचना। यात्रियों को अब रिजर्वेशन करवाने के समय फॉर्म में मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि ट्रेन के बदलाव, रद्द होने आदि की सूचना सही समय पर आसानी से मिल सके। साथ ही ट्रेनों की नई संशोधित समय सारणी के संबंध में रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर या भारतीय रेलवे की वेबसाइट और NTES मोबाइल ऐप द्वारा अपडेट जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को बनाया गया था। 1964 में आज ही के दिन प्रसिद्ध हिंदी कवि एवं साहित्यकार मैथिली शरण गुप्ता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। 1971 में भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं और जेब खर्चों को रद्द कर दिया गया था। 1981 में भारत के मशहूर ऑलराउंडर युवराज सिंह का जन्म हुआ था। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को आया दिल का दौरा। मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को बीते दिन दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि इलाज के दौरान तुरंत ही उनका एंजियोप्लास्टी भी करवाया गया। हालांकि डॉक्टरों की माने तो उनकी हालत स्थिर बताई गई है। आपको बता दें, रेमो डिसूजा ने अब तक कई फिल्मों का निर्देशन किया है, साथ ही कई रियलिटी शोज को भी उन्होंने होस्ट किया है। मैथ्यू हेडन ने विराट कोहली की जगह इस खिलाड़ी को माना दशक का सबसे बेहतरीन प्लेयर। मैथ्यू हेडन ने हाल ही में दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का नाम दिया है, जिसके तहत उन्होंने विराट कोहली के नाम को इस सूची में अलग रखते हुए महेंद्र सिंह धोनी को भारत के लिए इस दशक का सबसे बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी माना है। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि यह काफी महत्वपूर्ण है कि धोनी की कप्तानी में भारत ने विश्व कप और चैंपियन ट्रॉफी जीती है। मेरे लिए विश्व कप जीतना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत वनडे मैच खेले हैं, लेकिन जब विश्व कप की बात आती है तब वो ना सिर्फ एक बेहतरीन लीडर होते हैं बल्कि एक शांत और मजबूत मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी।
भारत में गूगल टास्क मेट ऐप की टेस्टिंग हुई शुरू। भारत में गूगल एक नए ऐप की टेस्टिंग कर रहा है जिसका नाम गूगल टास्क मेट है। इसके जरिए यूजर स्मार्टफोन में साधारण टास्क पूरा करके पैसा कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, गूगल टास्क मेट में दुनिया भर के बिजनेस अपने अलग अलग टास्क पोस्ट कर पाने में सक्षम होंगे। इसमें यूजर को रेस्टोरेंट की फोटो क्लिक करने से लेकर सर्वे के सवालों का जवाब देने या इंग्लिश से अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करने जैसे काम करने का विकल्प भी मिलेगा। फिलहाल यह ऐप बीटा वर्जन में है और चुनिंदा टेस्टर्स ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जल्द ही ये सभी यूजर के लिए रोल कर दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,050 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,050 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,410 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.42 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। विधानसभा की समितियों के गठन का फिर उठा मामला। राजद नेता एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा की समितियों के गठन का मामला एक बार फिर से उठाया है। राजद नेता ने इस बाबत पूर्व स्थापित संसदीय परंपरा के आलोक में विधानसभा अध्यक्ष को औपचारिक पत्र भी जारी किया है। जारी किए गए पत्र में उन्होंने कहा है कि राजद को दी जाने वाली उन समितियों के नाम बताए जाए जिनका सभापतित्व राजद को करना है, ताकि पार्टी की तरफ से सभापतित्व के लिए विधानसभा सदस्यों के नाम आपके समक्ष भेजे जा सके। जानकारों की माने तो विधानसभा में स्थापित परंपरा है कि पार्टियों को सचिवालय की तरफ से संसदीय समितियों का नाम भेज दिए जाते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है अमर आर्या, अशोक कुमार, मौर्य अकेडमी, प्रेम प्रकाश, सुबोध कुमार, सोनी कुमारी, श्याम सुंदर यादव, सतीश कुमार, निवेश व्लॉग्स ऑफिशियल, अजीत कुमार, मोहम्मद खालिद, गोविंद यादव, अंकित कुमार, दीपक कुमार, ब्यूटी वीडियो बॉक्स, महेश कुमार, रवि कुमार, मुकेश कुमार, कमलेश प्रसाद, चिंटू कुमार, सूरज सुमन, गजेंद्र कुमार, प्रिय रंजन यादव, आनंद कुमार, निरंजन महतो। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आप ठंड से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।